अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने जयत विलात्रा को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसको 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया है। उसके वकील तारक सैयद ने कोर्ट के समक्ष एक अर्जी दाखिल करके कहा है कि जयत ने एनसीबी को जो भी बयान दिया है वह सही या स्वैच्छिक नहीं है। गौरतलब है कि एनसीबी ने बुधवार को 2 लोगों जयत विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार को गिरफ्तार किया था। अकॉर्डिंग टू देम उसके स्टेटमेंट में ऐसा लिखा है कि ही वाज सप्लाइंग ड्रग्स टू अदर पीपल एंड दे वांट टू इन्वेस्टिगेट हु आर दोस पर्संस। वो बेसिस पे किए, बाकी देयर इज नो रिकवरी। रिकवरी वाज नॉट इन स्मॉल क्वांटिटी। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एंड वॉलंटरी एंड दे हैव रिटन द स्टेटमेंट्स बाय फोर्स। सर बट व्हेन कोर्ट आस्क्ड अभी अबाउट एनी इल ट्रीटमेंट ही हैज रिफ्यूज्ड दैट ही हैज बीन इल ट्रीटेड। बट दे आर ऑल अक्यूज्ड हु आर प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट आर टोल्ड नॉट टू कंप्लेन अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सर कंप्लेंट बोलते हैं कि इसमें जो जायद आपका क्लाइंट है वो सोभी के टच में था। Is there any link? So they have said that two people of Sushant case were in touch with this guy and he has given, but this was argued by the lawyer. Well, he said that orally, but remand mein kuch bhi nahi. Thank you. Sir, remand kab tak hai? परिहार का संबंध सैमुअल मिरांडा से बताया जा रहा है। सैमुअल मिरांडा पर मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स खरीदने का आरोप है। सुशांत की मौत के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की टीम आज मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सुशांत के कुक नीरज और केशव से भी पूछताछ हो रही है। सुशांत की डॉक्टर सुसान वाकर भी पूछताछ के लिए डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंची हैं। आज मामले में सीबीआई जांच का 14वां दिन है। बुधवार को रिया के पिता से 10 घंटे तक पूछताछ हुई। इस दौरान सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, उनके कुक नीरज सिंह, स्टाफ केशव और बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ हुई। गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यान न्यूज़।